दिड़बा पुलिस नूं उस वेले वड्डी कामयाबी मिली जदों उन्होंने एक व्यक्ति नूं पंज चोरी दे मोटरसाइकलां समेत काबू कर लिया। मीडिया दे नाल गलबात करदे होए दिड़बा पुलिस अधिकारी मोहनजीत सिंह ने दस्सिया कि पिंड दयालगढ़ दे रहण वाले गुरजीवन सिंह ने सानूं शिकायत कीती सी। जिक्रयोग है कि इस शख्स का मोटरसाइकल करीब एक साल पहला चोरी हो गया सी, जिस तों बाद दिड़बा पुलिस ने तीन अणपछाते व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया सी। उस तों बाद दिड़बा पुलिस ने अपनी सूझबूझ दे नाल आखिरकार इस वड्डी कामयाबी नूं हासिल कीता है। फिलहाल पुलिस ने काबू किए शख्स के कोलों होर भी कई मोटरसाइकिल बरामद किए ने। ब्यूरो रिपोर्ट अज दी आवाज। लखविंदर सिंह जी, लखविंदर सिंह कि पिंड का रहने वाला है, किन्ने समय तू चोरी कर रहे हैं? कड़ियाल जी। किन्ने समय तू कर रहे चोरी? डेढ़ साल। कम करदा तू कोई होर? करदा सर जी। की कम करदा? बकरिया चारदा। ते फिर चोरियां क्यों करदा तू? आदत बन गई सर जी। की लगता हूँ पछतावा है तेन? हाँ सर जी। अगे तो नहीं हूँ इस तरह के? नहीं सर जी। किन्ने मोटरसाइकिल चोरी करने में आई ने सर जी? जो पंज ने। कितों कितों चोरी करते हो मोटरसाइकिल? एक भेखी तो करे जी, एक सुनाम तो जी, एक घगे तो जी, एक दियारागढ़ तो जी, एक पातड़ा तो जी। दड़बे एरिए भी किया कोई? नहीं सर जी। तेरे नाल होर भी ने बंदे कोई? नहीं जी। गुरजीवन सिंह पुत्र जागर सिंह वालों कंप्लेंट आई थी कि उन्होंने मोटरसाइकिल तकरीबन डेढ़ साल पहला चोरी होया। तो दौरान इन्वेस्टिगेशन असी लखविंदर सिंह उर्फ बच्चा काबू किया गया है। तो जिथे इसके घरों पंज एक मदई का मोटरसाइकिल तो चार मोटरसाइकिल होर बरामद इसके घरों हुए। कड़ियाल तो जी। फिलहाल तो कल ही है, बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जिसकी भी अगे शमूलियत आऊगी तो उन्होंने प्रॉपर लॉ अनुसार अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। एरिए ये अपने नेड़े एरिए की सुनाम भिखी घगे वगैरह इतने नेड़े की इन्होंने चोरी किए हैं। हाँ जी हाँ जी, प्रॉपर आर टी आई दफ्तर जो अभी वेरीफिकेशन करवा के जिन्हें की भी मालकी प्रूफ होगी उन्होंने अभी मोटरसाइकिल वापस किए जाएंगे। कुछ इस तो होर भी पता लगे जी, कुछ होर चोरियां भी सामने आई हैं उसे तो? नहीं बस फिलहाल इन्होंने मोटरसाइकिल की चोरी हुई ने पूछ किस तरह दसा जी ने। हूँ ये मामला दर्ज करके लगाई गई है? यह 379 से 411 IPC के अंतरी मान जो कोर्ट पेश किया जा रहा है। हाँ जी हाँ जी, हाँ अब आज दोषी कोर्ट पेश किया जाएगा।